दूसरा तवारीख 27वां बाब। योताम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम यूरोसा था, जो सदूक की बेटी थी, और उसने वही जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है ठीक ऐसा ही किया जैसा उसके बाप उज़रिय्याह ने किया था। मगर वो खुदावंद की हैकल में ना घुसा, पर लोग गुनाह करते ही रहे, और उसने खुदावंद के घर का बालाई दरवाजा बनाया, और ऑफल की दीवार पर उसने बहुत कुछ तामीर किया, और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में उसने शहर तामीर किए, और जंगलों में किले और बुर्ज बनवाए। वो बनियामून के बादशाह से भी लड़ा और उन पर गालिब हुआ, और उसी साल बनियामून ने 100 कंतार चांदी और 10,000 कुर गेहूं और 10,000 कुर जौ उसे दिए, और उतना ही बनियामून ने दूसरे और तीसरे बरस भी उसे दिया। सो योताम जबरदस्त हो गया, क्योंकि उसने खुदावंद अपने खुदा के आगे अपनी राहें दुरुस्त की थीं। और योताम के बाकी काम और उसकी सब लड़ाइयां और उसके तौर तरीके इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। वो 25 बरस का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और योताम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा आखिज उसकी जगह बादशाह हुआ।